अब आज की वीडियो में ऐसा मांझा लेकर आया हो ना जो यूट्यूब में अभी तक किसी ने दिखाया नहीं होगा। मांझे का कलर देखो भाई, और इतना शानदार मांझा, मांझा ने लड़ाया और क्या पतंगे काटी हैं लगातार। देखो नौ रील बचा है, बहुत बड़ी मांझा है यहाँ पे, पेज लड़ता नीचे से मेरी पतंग खड़ी करके दी और चक्कर पे टकरा के आराम से वाला पेज काटा। देखो तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल का एडवर ऑफिशियल। आज की वीडियो को हम याली पतंग उड़ाने वाले, पौनी पतंग है और हवा अच्छी चल रही है तो हमने सोचा पौनी पतंग उड़ाते हैं और ना फंसा के पेज लड़ाएंगे। पतंग देखो किसकी है, ये देखो सोएफ फैज काइट क्लब करके लिखा है ऐसी कुछ, ये पतंग रही और बहुत पुरानी पतंग है, कट के आ गई थी तो हमने ये लूट ली। अब मांझा दिखाते हैं, मेन चीज़ आज की वीडियो में मांझा। तो मांझा देखो, अब देखो मैं आपको बता दूँ ना निंजा वाला, तो ये निंजा वाले मेकर का ही मांझा, ये तो फिलहाल 123 में, लेकिन अगर आपको 123 चाहिए हो या फिर 8400 चाहिए हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में जाके ऑर्डर दे सकते हो, वहाँ पर आपको एकदम बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगी। तो इसी मांझे से हम आज की वीडियो में पतंग उड़ाएंगे और फिर देखते हैं कि हम कितनी पतंग काट पाते हैं। देखो भाई मांझा तो बाद में आता है, पहले आता है हमारा पेज, जब तक हमारा पेज सही नहीं होगा तब तक आप पतंग नहीं काट पाओगे। और आप लोग मुझसे कह रहे थे कि आपसे लेने का क्या फ़ायदा, तो मेरे से लेने के दो रीज़न है। एक तो देखो फ्रॉड होगा नहीं, क्योंकि मेरे थ्रू ले रहे हो तो आप इतना तो ट्रस्ट कर ही सकते हो मुझे या मेरे ऊपर। अगर आप वीडियो काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो देख रहे हो कि फ्रॉड तो नहीं करूँगा भाई मैं आपके साथ, सही है। और दूसरी बात कि अगर आप मेकर से लेते हो या किसी और से लेते हो, कभी करो टाइम लगा देते हैं, बहुत लंबा लंबा टाइम लगा देते हैं, वो एक महीने दो महीने, क्योंकि उनके साथ और भी काम रहते हैं। तो अगर आप मेरे थ्रू लोगे तो आपको बस 10 दिन के अंदर मांझा पहुँच जाएगा, 10 दिन भी बहुत बता दी, उससे कम ही आपको मिल जाएगा, उससे कम टाइम में ही मांझा तैयार हो के। तो जाओ अगर आपको चाहिए तो ऑर्डर दे सकते हो 15 अगस्त के लिए भाई, अभी से लेके रखो और एक बार रिजल्ट चेक करना उसके बाद मांझे का, मज़ा रहा है ना तो फिर मुझे कमेंट में बताना, आप मेरी वीडियो देखना छोड़ देना अगर आपको मज़ा ना आए मांझे में। चलो ट्राई कर सकते हो आप लोग, बाकी आपकी मर्जी। तो पतंग हो चुकी है हमारी पार और पौनी पतंग है, हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, लड़ा के दिखाते हैं आपको छल्ले। देखो मांझे में काम देखो यार आप कैसे बन के जा रहे हैं। अब ये रहा आज की वीडियो का पहला पेज, तो रेड सगी तो मेरी पतंग नहीं, मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ, और ब्लू सगी तो हमारे अपोनेंट के लिए बनता लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से। पतंग देखो लाद रहा है, वो फंसा के लड़ाना चाहता है, नहीं नहीं खींचेगा। देखो अगर अपोनेंट मुंह की तरफ लाए तो समझ जाओ फंसाएगा, और अगर वो भर के आ रहा है ना आपके हाथ की तरफ तो समझ लेना कि वो खींच के लड़ाना चाह रहा है। यहाँ पे अपोनेंट देखो हाथ की तरफ आ रहा है, भैया मैं डो छोड़ी उसे लगा कट गया हूँ, मैं चक्कर पर डाल दी पतंग, चक्कर दे रहा हूँ वो भी चक्कर दे रहा हूँ, पतंग उठ गई उसकी और कट चुकी है यहाँ पर पतंग। तो भाई पतंग मेरी कट गई है, अब मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, जानने वालों को भाई पता चल गया होगा जो काइट फाइटर है, लेकिन अगर आपको पता नहीं चला मैं बताता हूँ। अब देखो नीचे से मेरी पतंग थी, ये गया मैं डो छोड़ी, अपोनेंट को लगा यहाँ पे मेरी पतंग कट गई, लेकिन यहाँ पे मेरी पतंग कट नहीं थी, मैंने डो फेंकी थी उसके लिए पतंग मैंने चक्कर पर डाल दी, सब कुछ यहाँ तक सही चल रहा था, उसकी पतंग लटक रही थी मेरी पतंग चक्कर पर थी, लेकिन यहाँ पे डोर ही नहीं मिली। जब डोर नहीं मिली तो हमारे अपोनेंट ने पतंग ऊपर उठाई, लेकिन जैसे उसने ऊपर उठाई ना तो उसका जो झोल था वो मेरे डोर से टकरा गया और यहाँ पे मेरी पतंग कट गई। यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, अगर मैं नीचे के पट में झटके मार देता तो शायद उसकी पतंग में काट सकता था। अब आपने देखा अपोनेंट ने हमसे अच्छा पेज लड़ाया और हमारा याला पेज काट दिया, तो सेम मांझा पतंग दूसरी है, बस रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। तो रेड सर्किल मेरी पतंग नीचे से ऊपर से अपोनेंट है, ब्लू सर्किल ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड से। अब की यार कभी मैं पेज सोच रहा हूँ फंसा के ही लड़ाऊँगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा चला गया अपोनेंट, वो पूरा खींचना चाह रहा है लेकिन मैं खींचने नहीं दूंगा इसे। पतंग खड़ी कर ली उसने, गद्दा मारा पतंग खड़ी करके अंदर के झटके मारे वो काटी। देखा आपने, पेज आपका सही होगा ना तो मांझा काटेगा, अब आपका पेज ही गलत है तो मांझा क्या ही काटेगा ना पतंग, सबसे बड़ी बात यही होती है। आप लोग की पतंग इसलिए काटती है, मांझा ख़राब नहीं है आपका, आपका पेज ख़राब है, कहीं कहीं पर होता है मांझा ख़राब हो जाता है, इसमारे कट जाती है। यहाँ पर देखो एक और पतंग उड़ रही सामने, इसकी भी काटते, दया बचा ली उसने अपनी पतंग, फिर लेकर आ रहा देखो बंदा। तो यहाँ पे देखो वो रेड सर्किल मेरी पतंग नीचे से ऊपर से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्किल, ये बंदा लेफ्ट साइड से, इसके ऊपर कोई यूनिक सा पेज लड़ाऊंगा मैं। ये गया डो छोड़ी फिर से उसने गद्दा रखा, मैंने चक्कर पर रखी वो काटी भाई, देख रहा हूँ इतना बढ़िया मांझा लड़ रहा है, मतलब फंसा के तो सबकी पतंग काट देगा, जितने पेज में फंसा रहा हूँ सारे पेज काट रहा हूँ। यहाँ पे एक और पतंग काटी है, चलो भाई और किसी की काटते दिखाते।
गर्मियाँ आ गई तो हमें बहुत जल्दी जल्दी पेज मिलना है। यहाँ पे देखो एक और पेज लड़ा हमारा, रेड सर्किल मेरी पतंग है नीचे से, ऊपर से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्किल, ये बंदा राइट हैंड साइड में। चलो भाई हवा काफ़ी अच्छी चल रही है आज बरेली में, बचाई भाई। कोई अच्छा उड़ाने वाला लग रहा है वो, देखो पतंग कैसे चला रहा है वो, गद्दा मारे कहाँ से, मारा गद्दा मैंने पट मारा, डोर नहीं मिली, डोर नहीं मिली, अंदर की खींची फिर मैंने डोर पे रखा वो काटा भाई। देख लो डोरों में रखते ही पतंग कट जा रही है, देखो पेस सही होगा ना, पतंग काटोगे ही काटोगे आप। अब देखो हवा इतनी अच्छी है, हमने एक पतंग पार करी उससे दो तीन पतंग काटनी, लेकिन हमने दूसरी पतंग भी तैयार करना है अपनी ताकि जल्दी जल्दी हमारे पेज लड़ सके। और एक और पतंग पार होके आ रही है, मेरी पतंग सामने रही जिससे मैंने तीन पतंगें काट रखी, और ये रहा हमारा अपोनेंट। भाई अब किन्ने पौनी पतंग छोड़ी है फंसा के उड़ाने के लिए, क्योंकि उसकी पतंग में वेट होगा, हमारी पतंग हल्की है तो शायद हमारी पतंग कट सकती है। बाकी मैं देखता हूँ फंसा के लड़ाऊँगा या खींच के लड़ाऊँगा। मेरी पतंग सामने रही और माँ जा, वहाँ जा देखो आप भाई, दे दो ऑर्डर अगर चाहिए ना, ये देखो ट्राई करके देखो एक बार। और ये ऐसा कलर है ना कि लोग ये कलर लेने से डरते हैं, क्योंकि मांझा ऐसे कलर का लड़ता बहुत कम है, लेकिन भाई हमने लिया और आपके सामने लड़ा के भी दिखाया। लेकिन आप लोग को भाई ब्लैक ही कलर मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं जो आप तक चीज़ पहुँचे वो एकदम अच्छी पहुँचे, क्वालिटी मैटर करती है भाई, इसलिए आपके लिए ब्लैक कलर मिलेगा एकदम बेस्ट क्वालिटी। तो यहाँ पे हमारा एक और पेज आ गया, रेड सर्किल मेरी पतंग नीचे से लड़ा रहा हूँ मैं, ऊपर से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्किल, ये बंदा लेफ्ट साइड में, उसकी पतंग बहुत ज़्यादा भारी है। देखो कन्ने पकड़ रहा, वो पेज फंसाना चाहता है, फंसा लें क्या, लेकिन पतंग मेरी हल्की है यार, दिक्कत यही है। ये फंसाया, कुंडा डाला, चक्कर दिया और वो बस कटना था यहाँ पे। मैंने पहले ही आपको बार बताया था पतंग उसकी भारी है भारी, लेकिन उसके बाद मैंने पेज पता नहीं क्यों फंसाया भाई, पतंग अगर भारी होती ना मेरी मैं काट देता पेज, मेरे चक्कर भी सही था। कोई नहीं एक और पतंग पार करते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पे हमने एक और पतंग अपनी पार कर दी, तो रेड सर्किल मेरी पतंग नीचे से, और हमारा अपोनेंट कहाँ गया वो देखो, ब्लू सर्किल हमारे अपोनेंट की रही। उसकी पतंग अजीब सी क्यों हो गई है यार, ये कन्ने पकड़ लाओ। चलो मैं नीचे से लड़ाता हूँ, उसे ऊपर से आने देता हूँ। पतंग देखो उसकी फट गई है, हाँ देखो उसकी पतंग पूरी फट गई, मैंने अंदर की खींची और यहाँ पे दोनों की पतंग कट गई, शायद मेरी टूट गई है क्योंकि मैंने खेस तो सही मारी थी। हाँ मेरी पतंग पक्का टूटी है कटी है मुझे नहीं पता, फिलहाल दोनों की पतंग यहाँ पे जा चुकी है। यार वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।